बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं को धमकाकर अवैध वसूली और वसूली का ऑडियो वायरल होने के बाद सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के प्रतिनिधि और पौत्र भड़क गए। दरअसल जिले भर में बिजली के नाम पर उपभोक्ताओं को धमकाने, बिल बढ़ाकर भेजने, वीडियो कराकर उपभोक्ताओं से वसूली के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। एक जेई द्वारा लाइनमैन को इस तरह के 7 लोगों से कम 40 से 50 हजार रुपए उगाही करने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद बिजली अधिकारी कर्मचारियों से पीड़ित उपभोक्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि शफीकुर्रहमान बर्क से मामले की शिकायत की थी। सांसद प्रतिनिधि एवं सांसद के पौत्र इस संबंध में एक्सीएन से मिले, जहां उन्होंने बेईमान अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। एक्सीएन के रवैये से सांसद प्रतिनिधि भड़क गए। कार्रवाई न होने पर उन्होंने बेईमानों को खुद सही करने की चेतावनी दी है। देखिए, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, जो लोगों की समस्याएं होती है उनको लेकर आता रहता हूँ। मैं जब कभी मसला ज्यादा हो जाते हैं तो लेकर आ जाता हूँ, नहीं तो खुद से बात करते रहते हैं, चाहे मैं करूँ या माननीय सांसद जी करते रहते हैं। आज जो मैं आया उसकी दो मुख्य वजहें थी, दो नहीं बल्कि तीन वजहें थी। एक तो कुछ लोगों के काम थे जो पहले से आ रहे थे, वो आए दिन एक अधिशासी अभियंता जो है वो मार कर देते हैं कोई काम के लिए अगर आता है, उसके बाद में उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो उनके साथ में बदसलूकी करते हैं और काम नहीं करते। इस चीज़ की शिकायत थी, मैंने उनसे कहा कि उन लोगों को आप सख्ती करिए, हिदायत करिए, अगर ऐसी हरकत नहीं मानेंगे तो फिर उनके या तो आप कार्रवाई करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जनता को उग्र करने पर फिर आपकी जिम्मेदारी होगी अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा के इस बिजली विभाग के अंदर खास तौर से दो लोग जो कि एक विजिलेंस के इंस्पेक्टर हैं वो और एक हमारे यहाँ का हल्के के जेई हैं, बाकी लोग तो आर्मोर से करते रहते हैं, जिनकी शिकायत जिनकी नहीं खुल पाती वो अलग बात है। पूरा भ्रष्टाचार तो चरम पर चल ही रहा है। हमारे यहाँ के राय शक्ति फीडर पे एक जेई है गुड्डू, उस जेई ने ऑडियो मेरे पास में उनकी हैगी, उस जेई ने वायरल उसने कहा अपने मुंह से जुबान से खुद कि 7-8 जगह चेकिंग करी उसने, 8-10 नाम थे, और वो अपने आदमी से कह रहा है कि मुझे इस उसमें 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है कि 20,000 रुपये का और 10,000 रुपये तक पे मेरा मामला सॉर्ट आउट कराओ, हर उस पे 10-50,000 रुपये। अब ये सोचिए, अगर ऐसे करप्ट लोग, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, अगर जनता कुछ अगर वो करती है, बिजली अगर किसी का कोई चोरी का मिल जाए तो 2 मिनट नहीं लगते इन लोगों को मुकदमा दर्ज करने के अंदर, कि पता चलता है फौरन मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जब ये जेई जैसे ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? ये विभाग का की तरफ से क्यों इतनी देर हो रही है? या तो इसका ये चीज़ शुभ होता है कि इसका पैसा हिस्सेदारी जो है बड़े अधिकारियों तक भी पहुँच रही है, और अगर वो अगर इसके अंदर कार्रवाई करने में विलंब करते हैं, मेरी मांग है शासन से भी, सरकार से भी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से भी कि ऐसे जेई के खिलाफ खाली ट्रांसफर से काम नहीं चलने का, ऐसे जेई को सस्पेंड करा जाए और मुकदमा दर्ज कर करके जेल भेजना चाहिए, जो कि जनता से और सरकार को भी चूना लगा रहा है पैसे लेकर के, और जनता के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहा है, उनसे रिश्वत लेकर के उनके साथ बदसलूकी कर रहा है। ऐसे जेई को सस्पेंड करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैंने अभी एक्सएन साहब से भी कहा है और एक्सएन साहब ने कहा कि एसी साहब इस मसले में कार्रवाई करेंगे कि उनकी पावर नहीं है, तो मैंने अभी एसी साहब को फोन करके कहा है कि इसके खिलाफ हम ट्रांसफर से राजी नहीं होने के, ऐसे भ्रष्टाचार जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड करिए और जेल भेजिए, ऐसे तभी हम लोग खामोश होंगे, अदरवाइज अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से नहीं चलने का। खाली ऐसा नहीं है कि बीन बजाते रहें और कोई आसन नहीं हो, हम जब तक अगर हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार होगा, नाइंसाफी होगी, तो हम लोग मानेंगे, खामोशी से नहीं बैठेंगे। आज हम डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं होगा कल को हम धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। हमारे पास दूसरा भी तरीका है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन और जो विजिलेंस का इंस्पेक्टर है वो लोगों का जा करके वीडियो बनाता है, उसके बाद में चौपाल लगा करके बैठ करके लोगों से पैसों की उगाही करता है, वो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जनता तो चोर हो गई, अगर पब्लिक तो चोर हो गई, पब्लिक अगर वो कर रही, और ये लोग जो जेई और इंस्पेक्टर विजिलेंस वगैरह के या एसडीओ है या कोई भी चाहे एक्सएमपी चाहे उसके अंदर अगर शामिल होंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार क्यों खामोश बैठी है, क्यों डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या उनके ऊपर के अधिकारी एसी या चीफ वगैरह क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते? मेरी मांग है, सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि एसी साहब से और चीफ साहब से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, कि जिससे कि लोगों को भी इंसाफ मिल सके, और जो ये लोग सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं इनके, और जो अब तक इन्होंने कहा है एक चीज़, एक मैं और लास्ट बात कहना चाहूँगा कि जब ये मुकदमा दर्ज करते हैं जनता के ऊपर, तो ये एक चीज़ उस पर टारगेट करते हैं कि कितने टाइम से इनके ऊपर ये रिपोर्ट वो चल रहा होगा इनके यहाँ बिजली चोरी का, उस हिसाब से इसका एस्टिमेट बनाते हैं। मैं कहता हूँ उसी तरह से इस जेई के खिलाफ भी ये चीज़ करा जाए, अनुमान लगाया जाए कि इन्होंने जब से यहाँ पर थे
तब से इन्होंने कितना अब तक भ्रष्टाचार कर करके लोगों से पैसा कमा करके और सरकार को चूना लगाया होगा, उस पैसे की जो वसूली है वो इनकी तनख्वाह से करनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे, अदरवाइज इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। नहीं तो हम सिस्टम अगर इस तरह से चलेगा तो हम सिस्टम को ऐसे चलने नहीं देंगे। हमारे दामन पर धब्बा नहीं है माननीय सांसद जी के, हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं, अगर हम खुद ईमानदार हैं तभी हम इनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, अगर हम ईमानदार नहीं है तो फिर हमें भी हक नहीं है। इसलिए अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमें फिर दूसरा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।